तो ये जो आवाज होती है ये होता है वन वे क्लच, या हम बोलेंगे सेल्फ का बैरिंग या सेल्फ की गरारी, इसको बोलते हैं वन वे क्लच सिंपल लैंग्वेज में। तो जो वन वे क्लच होता है उसके अंदर चलती हैं कुछ चीज़ें, दो बड़ी गरारी आपस में मिलती हैं उसके बीच में होता है एक बैरिंग। वो सारी चीज़ें मैं एक बार जरा आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके की होती हैं और वो कैसे काम करती है और इस गाड़ी के अंदर जो ख़राब हुआ है वो कैसे ख़राब हुआ है। इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर हमने कई बार वीडियो बना दिया है, पर आज जो वीडियो बना रहे हैं इसका मेन मोटिव यही है कि आखिर वो वन वे क्लच बनता कैसे है और वो कैसे इतनी जल्दी ये ख़राब हो जा रहा है, इसके पीछे जो रीज़न है वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दिखा के कि कौन सी चीज़ कट जाती है और फिर इसके बाद दिखाएंगे ये आखिर वन वे क्लच बनता कैसे है। आज जो हम दिखाने वाले हैं कि वन वे क्लच बनता कैसे है, जो ओमेगा कंपनी बनाती है वो आज हम तरीका दिखाएंगे कि कैसे ये बनता है, ठीक है। उससे पहले मैं दिखा देता हूँ जो वन वे क्लच होता है कुछ इस तरीके की, दो लोहे की गरारियाँ होती हैं और इसके अंदर होता है एक बैरिंग। बैरिंग के ऊपर से जो सिर्फ रिंग लगता है, छल्ला कह सकते हैं, वो ख़राब होता है, बाकी इसके अंदर और कोई चीज़ ख़राब होने वाली नहीं है। तो ख़राब कहाँ से होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए एक निशान देखेंगे यहाँ पर आप, ये जो कट गया है ना लोहे का, इतना मतलब इतना मोटा पार्ट है लोहे का, मेटल पूरा ठोस लोहा है, ये भी नहीं कि ऊपर से एक परत चढ़ा रखी है और फिर भी ये कट गया। इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि जो लोहे का मेटल का पार्ट है ये कट जाता है। अब वो जो पार्ट कटता है वो कटता है इसकी वजह से, जो इसके रोलर होते हैं रूलर के कारण। तो एक काम करते हैं, मैं ये क्लच कवर खोल देता हूँ, उससे पहले ज़रा आपको दिखाता हूँ कि आखिर ये बनता कैसे है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, कौन सी CNC मशीन यूज़ होती है वो आपको दिखाता हूँ। जब तक आप उसको देखिए मैं इसको कवर को खोल देता हूँ। ये सेल्फ गेज कैसे बनाते हैं, तो ये सबसे पहले हम मटेरियल दे के उसको पोच करते हैं, पोचिंग का ये पार्ट बनता है, इस तरह की पोचिंग होती है। पोचिंग करने के बाद हम इसको मशीनिंग करते हैं, मशीनिंग भी हम जितनी भी करते हैं सारी CNC मशीनें हैं हमारे पास, CNC टर्निंग करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ जाती है और साइज बहुत अच्छे बनते हैं। ये है कि हमने पहले इसकी CNC मशीन पे टर्निंग किया है, मैं आपको दिखाता हूँ जब टर्निंग कैसे करते हैं। अभी ये दूसरा पीस आपको दिखाने जा रहा हूँ जो दूसरी मशीन पे बन रहा है, ये देखिए ये कैसे बनता है दूसरी साइड से, ये सारी ये भी CNC मशीन है, उस पर भी ये पूरा फिनिश पूरा फिनिश हो रहा है। अभी आपको बनते हुए दिखा रहा हूँ, अभी आपको पीस फिनिश होने के बाद में पूरा पीस फिनिश दिखाता हूँ, तो अब देखना मैं आपको पीस फिनिश भी दिखाता हूँ, ये बन के पीस फिनिश की शक्ल में आ जाएगा पीस, अभी मशीन से आप देखेंगे। अभी पीस जब हमने मशीन पर लगाया था तो उसकी कंडीशन ये थी, अब जब ये पीस बन जाएगा बनने के बाद उसकी शक्ल ये आ जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी, इसमें कई ऑपरेशन रहते हैं। ये बोल कर रहे हैं इसका बोल फिनिश कर रहे हैं, रेडी हो गया है, मैं दिखाता हूँ आपको। जब हमने मशीन पे पीस लगाया था तो वो ये पीस था, ये फिनिश होके पीस निकला है। अब ये टीथ कटिंग पे जाएगा हमारा माल, टीथ कटिंग होगा, टीथ कटिंग होने के बाद होल होंगे, होल होने के बाद ये हमारा माल जाएगा हीट ट्रीटमेंट पे, जितनी प्रॉपर इसको हार्डनेस चाहिए हम उतने डिग्री हार्ड करेंगे, हार्ड करके फिर उसको कलर करेंगे, कलर करने के बाद फिर री ग्राइंडिंग करेंगे,
ग्राइंडिंग करके हम उसको बैरिंग वगैरह फिट करके उसको पेंट करके और स्टैंप भी लगाएंगे हम अपनी ओमेगा कंपनी की, ओमेगा की कंपनी की स्टैंप के साथ हम डेट ऑफ पैकिंग वगैरह की भी स्टैंप लगाते हैं कि कस्टमर को कभी असुविधा ना हो, उसे ये पता चले कि हमारा माल ये कब बना था और कब उसने अपनी गाड़ी में डाला, तो उसके साथ ही उसको भी ये पता रहता है कि हमारी आइटम की लाइफ कितनी है, साल चला दो साल चला, तब उसको जब दोबारा रिप्लेस करता है तो उसे पता चल जाता है कि बहुत अच्छी लाइफ है हमारे गेयर की, जो हमारा कस्टमर हमारे सेटिस्फाई रहता है। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे वन वे का जो गरारियां रहती है ना, गरारियां कैसे बनती हैं, पर खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि गरारियां बहुत ज़रूरी हैं, और गरारी अच्छी नहीं रहेगी तो काम लॉन्ग टर्म काम नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ जो मेन ज़रूरत रहती है और जहां से कमियां स्टार्ट होती हैं वो सारा खेल छिपा है इस बैरिंग के अंदर, ठीक है। अगर आपने ये गरारी डाल दी, बैरिंग घटिया क्वालिटी का रहेगा तो ये गरारी किसी काम की नहीं है। तो उसके साथ साथ आपको जो ये बैरिंग है, बैरिंग बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रहना चाहिए। और ये बात जो कर रखी है मैंने, ये जो बैरिंग है इसकी एक एक चीज, इसका स्प्रिंग बहुत अच्छी क्वालिटी का हमने यूज किया है इसमें, और जो रोलर है रोलर में जो मटेरियल यूज किया गया है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है, और इसके रोलर की हार्डनेस वगैरह पूरी प्रॉपर मिलती है, उस वजह से ही इसकी लाइफ आती है, ये रीजन रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये जो बैरिंग है और ये जो गरारी है, ये दोनों का कम्युनिकेशन बिल्कुल सही रहेगा तभी जाके ये वन वे क्लच कामयाब हो पाएगा। और उसके साथ एक छोटा सा निडल बैरिंग आता है। अब मैं जरा आपको दिखा देता हूँ कि ये चीज़ें लगती कहाँ पर है। जो निडल बैरिंग है ना, इसको बोलते हैं निडल बैरिंग, वो लगता है हमारा यहाँ पर, आपको अंदर की साइड में यहाँ पे देखिएगा। तो जो ये गरारी है, इस गरारी के अंदर साइड में लगता है निडल बैरिंग, क्योंकि यहाँ पर जो काम करता है ना वो ये बैरिंग काम करता है यहाँ से, और इसको सेव करने के लिए। अगर इसका फिक्सिंग बिल्कुल भी आउट हो गया और बैरिंग टूट जाएगा, खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये निडल बैरिंग लगता है हमारा किस जगह पर, यहाँ पर लगता है। अब उसके बाद रहती है कि ये बैरिंग किस जगह पर काम करता है और ये कैसे काम करता है। तो इसके जो सबसे पहले रोलर होते हैं, रोलर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बना रखे हैं। तो इसका जो रोलर है, उस रोलर का एक टेम्परेचर रखा जाता है, वो है 62 डिग्री। अगर उससे कम रहेगा तो ये कामयाब कभी नहीं हो पाएगा। और जो रोलर, मतलब ये जो वन वे क्लच आपको मार्केट में मिल जाते हैं 1000-1100 रुपये के, वो आप सोचिए कि वो इतना पैसा कहाँ से खर्च करेंगे, अगर खर्च करेंगे तो इतने सस्ते में कैसे दे देंगे। तो ये 62 डिग्री पे करा जाता है। और इसका सबसे मेन जो स्प्रिंग है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि मैंने यहाँ चेक करके आपको बता रहा हूँ, तभी आप लोगों के लिए ये वीडियो आ रहा है, वरना शायद नहीं आता। मैंने इसको पर्सनली कम से कम तो 2 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो है बन के तैयार हो गया वन वे क्लच। अब इसको क्लच गियर भी बोल सकते हैं, या वन वे क्लच भी बोल सकते हैं, या क्लच की गरारी, या फिर सेल्फ गियर भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का रहता है। अच्छा, अगर ये आपको ख़रीदना है तो सीधे, मतलब आपको वन पीस खरीदना है, लाइक ऐसे आपके पास गाड़ी है और आप इसको सिंगल पीस खरीदना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कहिए कि मेरे पास गाड़ी है मुझे वन पीस खरीदना है, तो बिल्कुल आपको ऐसे कुरियर हो जाएगा। अगर आपके पास शॉप है और इसको आप अपनी दुकान पे सेल करने के लिए, आपके पास अपना वर्कशॉप है, आप इसको बल्क में लेना चाहते हैं, लाइक आपको 10 पीस चाहिए, 20 पीस, 50 चाहिए, तो आप इनको कॉन्टैक्ट करिए कि ऐसा मेरे पास दुकान है और मैं अपनी दुकान के लिए इसको कॉन्टैक्ट, मतलब अपनी दुकान के लिए इसको रखना चाहता हूँ, तो आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट करिए, बात करिए। अगर आपको चीज़ पसंद आती है तो बिल्कुल एक बार ट्राई करिए, मैं कहता हूँ एक बार ट्राई करिए, वाकई में काम की चीज़ है। देखते हैं कि इसको खोल तो दिया है, इसको निकालने का सिंपल तरीका, वैसे तो हमने कई बार वीडियो बना दिए हैं। सबसे पहले हमें चैन का एडजस्टर ढीला करना है, इसको थोड़ा सा बाहर करना है, और इस बोल्ट को पूरा ना खोलें तब भी आराम से बाहर आ जाता है। देखिए, अब इसको हम नीचे ले देते हैं और इसके अंदर अब हम दिखाते हैं कि आखिर क्या चीज़ कट गई है। देखिए, मैंने पहले कहा था कि ज़्यादातर ये मेटल का पार्ट ही कटता है, और वो आप यहाँ पे देख सकते हैं,
कि इसके अंदर सिर्फ मेटल का पार्ट ही कटा है। और दूसरी बात बताई थी मैंने कि इसका जो है रिंग कट जाता है, टूट जाता है। और यहाँ पे देखिए रिंग टूट गया है, टूट के गायब ही हो गया है। तो फिलहाल अभी इसको इसके अंदर ही लगा रहने देते हैं और यहाँ दिखाते हैं दूसरे के अंदर। देखिए जितने भी मेटल के पार्ट दिख रहे हैं इसके अंदर घिस गए अच्छे से पूरी तरीके से। या फिर आप ओमेगा का वन वे क्लच डाल सकते हैं, ये बहुत ही मेरी नज़र में तो सबसे बेस्ट है। अगर आप 4,700 रुपये खर्च नहीं कर सकते हैं तो 2,000 रुपये के अंदर आपको ओमेगा का वन वे क्लच मिल जाएगा। और मैं गारंटी देता हूँ यार, जो जो गाड़ी का ओरिजिनल चलता है उससे बढ़िया चल के दिखाएगा ये आप। तो अब डाल दिया गया है इसके अंदर, अब इसके अंदर फिट कर दिया गया है ओमेगा का वन वे क्लच। तो देखते हैं अब गाड़ी स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही। अच्छा, इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है कि यार ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से जितने भी थंडरबर्ड या फिर इलेक्ट्रा या फिर क्लासिक का जितनी भी गाड़ियाँ हैं सबके अंदर एक ही वन वे क्लच पड़ता है। तो अगर आपको मतलब 4,700 रुपये खर्च नहीं करने हैं तो वन वे क्लच डाल सकते हैं। अगर ये डालना है आपको तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर मिल जाएगा। और आपको सिर्फ बैरिंग डालना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए इतनी मेहनत से बना रहे हैं तो मेरी नज़र में अगर 2,000 रुपये देने भी पड़ रहे हैं तो 2,000 रुपये बनता है यार। इतनी इसे डालने के बाद 2 साल 2.5 साल 3 साल तक का आराम से यूज़ होगा। अब फाइनल में चीज़ रही आपके ऊपर, आप इसे कैसे यूज़ करते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि सेल्फ लेने का सही तरीका कैसे है तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो सेल्फ लेने का सही तरीका कौन सा है, तो सेल्फ किस तरह लेना है या मैं अपनी गाड़ी को किस तरह स्टार्ट करना है। वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।